सांभर इडली के लिए सबसे पहले हमने ये तुअर दाल ले ली है, ये हमारा कद्दू है, ये हमारा कड़ी पत्ता है, इसको पानी में भिगो लिया है हमने, ये हमारा लहसुन और अदरक की पेस्ट बना ली हमने, ये प्याज का छोटा छोटा काट लिया है, और ये हींग है, और ये राई है। अब हम तड़का लगाएंगे। सबसे पहले ऑयल जैसे ही हमारा गरम होगा तो हम ये डालेंगे इसमें, ये राई, अब इसमें हम डाल रहे हैं राई, ये कड़ी पत्ता, लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये हमने डाला हींग, अब डाला ये प्याज, और इसको हम भून लेंगे सारे तड़के को। गैस तड़का हमारा भून चुका है, अब इसमें हम दाल डाल रहे हैं। पानी डालेंगे अब हम इसमें। हम तो इजी ये बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते, तो इसीलिए खाली पम्पकिन डाल रहे हैं, चाहे तो आप और भी वेजिटेबल्स इसमें डाल सकते हैं। इसमें हम डालेंगे हल्दी, और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। गाइस अब हम ये इमली का खट्टा डालेंगे, पानी बॉईल करने रख दिया है और उसमें ये हमने इमली डाल दी है। गाइस देखिए अब हमारा ये सांभर जो है रेडी हो गया है। रेडी क्या मतलब, अब हमने खोला है, अब इसके अंदर हम सांभर मसाला ऐड करेंगे। ये गाइस मैंने जो है बना हुआ लिया हुआ है, अगर आपके पास सांभर मसाला ये रेडीमेड ना हो तो आप घर में भी जो है क्या कहते हैं, जो आपका ये होता है मेथी दाना और साथ में जीरा, दोनों को भून कर पीस कर वो आपका ये बन जाता है। गाइस अब ये हमारे इमली का पानी रेडी हो चुका हुआ है, इसको हम अब अपने सांभर में ये डाल देंगे। ये हम खट्टे के लिए डाल रहे हैं, अब गाइस ये हमारा जो सांभर है वो बन रहा है, ठीक है, उसको हमने हल्की गैस पे रख दिया थोड़ा सा बॉईल होने के लिए, पक जाएगा वो। और अब मैं वाइट चटनी की तैयारी करने लगी हूँ, तो मिलते हैं इसको तोड़ने के बाद। हम चटनी के लिए पहले ये इसमें ब्लेंडर में क्या कहते हैं दही डालेंगे। गाइस नारियल को हम पतला पतला, चाहे तो आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, अगर ग्रेट नहीं करना तो ऐसे चाकू से पतला पतला आप करके ये डाल सकते हैं। गाइस ये थोड़ी सी हम पीनट्स को रोस्ट करके छील कर ये डालेंगे हम अपनी चटनी में। गाइस एक हरी मिर्ची डालेंगे, और ये जो हमने रोस्ट करी है इसको हमने डाल दी बस। अब गाइस हम ये ब्लेंड, देखिए गाइस हमारी चटनी रेडी हो गई, बस अब इसको निकाल रही हूँ और फिर इसमें थोड़ा सा तड़का लगाऊंगी। इसमें गाइस हम नमक डालेंगे, हल्का से डालना, ज़्यादा नहीं डालना। गाइस हम चटनी के तड़के के लिए थोड़ा सा रिफाइंड ले लेंगे। इसमें हम आपका ये मस्टर्ड सीड डाल रहे हैं और डाल रहे हैं। ये जो हमारा बनाया हुआ है इसको हम चटनी पे डाल देंगे बस। गाइस हमारा सांभर भी रेडी हो चुका हुआ है, चटनी भी हमारी रेडी है, बस अब इडली का मैं बैटर घोलती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। गाइस मैं आज सूजी की जो है वो इडलियाँ बना रही हूँ, क्योंकि सूजी वाली काफ़ी जल्दी बन जाती है और हेल्दी भी होती है, तो ये सूजी का पैकेट डाला। इस सूजी में हम ये दही डालेंगे,
बैटर में गाइस ये पानी डाल लेंगे हम। गाइस ये अब हमने इसको घोल दिया है से 15 मिनट के लिए। अब घोलने के बाद अब इसको हम अभी 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। 15 मिनट के बाद हम इसमें मीठा सोडा डालेंगे। ये अब हम इडली की तैयारी कर रहे हैं। ये इडली के इस पे ट्रे पे मैंने ग्रीस कर ली है। इसमें गाइस मैंने मीठा सोडा लगा के इसको 15 मिनट के लिए रख दिया था। तो अब ये देखिए बैटर फूल चुका है, बबल्स आ चुके हैं इसमें। ये गाइस अब हमने रख दिए हैं इसको इडलियां सारी स्टैंड में और गैस ऑन कर दी है। अब पकने देंगे अब हम। देखिए गाइस देखिए हमारी इडलियां रेडी हो गई हैं, कितने सॉफ्ट और फ्लफी हैं। देखिए गाइस लीजिए हमारी इडलियां रेडी हैं, आप भी इंजॉय कीजिए।